हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज इस वीक में बात करते हैं 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारा बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें हमारा सेल्फ केयर किस तरीके से करना है। तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बढ़ रहा है, तो इस ब्लड फ्लो के बढ़ने से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, जो नोज़ है उसमें से ब्लड आ रहा है, या सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा हेडेक हमारा बढ़ रहा है। और किसी किसी को क्या होता है, रात में सोते टाइम या दिन के सोते टाइम पैर में झिंझनी चढ़ जाती है, जो एक सेंसेशन होता है कि पैर एकदम हमारा कड़क हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी ब्लड फ्लो के होने से होती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप लेटने जाएं या रात में सोने के लिए जाएं, एक ग्लास पानी पी लें, उससे ये बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या क्या चीज़ आप देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में चेंजेस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बेबी अभी अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको क्या हो सकता है कि अगर जिसका सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है वो बेबी का मूवमेंट महसूस कर सकते हैं, जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो ये महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि गैस होगा या कुछ होगा। सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी वालों को मूवमेंट समझ में आती है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। 18 वीक से 22 वीक के बीच में आप कभी भी किसी टाइम पे भी अपनी बेबी के मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बात करते हैं हमारे बेबी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा बेबी है वो 12.5 सेंटीमीटर का हो गया है। बेबी का जो वेट है वो 110 ग्राम का हो गया है और बेबी एक स्मॉल एवोगाडो की तरह हमारा बेबी दिख रहा है। अब इस वीक में हो क्या रहा है, जो बेबीज के आईज और ईयर साइड में थे वो आपस में साथ में एक फेशियल एक्सप्रेशन के रूप में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस हफ्ते से बेबी का फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो आपको बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। इस हफ्ते में आपके बच्चे के टेस्ट बर्ड्स लाइक स्वीट क्या है, सॉल्ट क्या है, वो वाले टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं। जो एम्बेलिकल कॉर्ड है वो फुली डेवलप हो जाती है, उसमें दो आर्टरीज और एक वेन है वो फुल कंप्लीट हो जाता है। अब इस बात बात करते हैं कि इस हफ्ते के लिए मेरी आपको सलाह क्या है। अब कुछ लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो आयरन की टेबलेट लेती हैं तो वो उसको पचती नहीं है, या तो वॉमिटिंग आती है या तो उससे इनडाइजेशन होता है, मतलब आपका पेट क्लियरली साफ नहीं होता। और ये बहुत क्वाइट नॉर्मल प्रॉब्लम है, 80% लेडीज के साथ प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आपकी आयरन की टैबलेट लेके डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताना है कि इससे मुझे उल्टी आ रही है या चक्कर आ रहा है या मेरा इससे पेट क्लियर नहीं, साफ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उस आयरन का सॉल्ट चेंज करेगा, दूसरा आयरन का मेडिसिन देगा और वो आपकी बॉडी में वर्कआउट करेगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर कुछ भी थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं ये चीज़ सूट हो रही, तो वो कैल्शियम नहीं होगा, वो विटामिन डी नहीं होगा, वो आयरन होगा। तो आप अपने आयरन का डॉक्टर से सॉल्ट चेंज करा लीजिए एंड यू विल बी फाइन। आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ा वैल्यू मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।